कई दिनों के तूफानी मंथन के बाद बीजेपी ने यूपी के लिए जारी की तीसरी लिस्ट, 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 15 महिलाओं को मिला टिकट, रायबरेली से लड़ेंगी कांग्रेस की विधायक रही अदिति सिंह। कन्नौज से बीजेपी ने आईपीएस अधिकारी रहे असीम अरुण को दिया टिकट, हरदोई से नितिन अग्रवाल को मिला टिकट। यूपी के दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, आगरा में पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। लखनऊ में सीएम योगी ने लॉन्च किया बीजेपी का थीम सॉन्ग, धर्मेंद्र प्रधान समेत पार्टी के दूसरे दिग्गज मौजूद। यूपी के युवाओं को कांग्रेस की चुनावी सौगात, राहुल प्रियंका ने साथ मिलकर जारी किया मैनिफेस्टो। कांग्रेस ने यूपी के 20 लाख युवाओं को दिया नौकरी का वादा, 8 लाख महिलाओं को नौकरी देने की बात। यूथ मैनिफेस्टो में स्टार्टअप के 5,000 करोड़ फंड, प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस माफ करेगी कांग्रेस। यूथ मैनिफेस्टो जारी करते समय प्रियंका ने समझाया पार्टी का रोड मैप, नौकरी बेरोजगारी दूर करने का ब्लूप्रिंट तैयार होने का दावा। 20 लाख में से 12 लाख नौकरियों के लिए सरकार के लिए पद हैं और पैसे भी हैं, उन्होंने पद खाली रखे हुए हैं। राहुल ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा 16 लाख लोगों ने रोजगार खोया, देश का पूरा धन 2-3 पूंजीपतियों को दिया गया। क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह से लिया आशीर्वाद, पैर छूते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर रिलीज। अखिलेश की सीट सामने आते ही बीजेपी में शामिल हुए करहल के समाजवादी नेता, कहा सिर्फ मुलायम के परिवार को ही मिलता है टिकट। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जारी किए 4 उम्मीदवारों के नाम, पार्टी की तरफ से सभी 117 की लिस्ट आउट। पंजाब में अकाली दल ने फिर किया जीत का दावा, मुक्तसर में सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी के साथ नहीं बनी मनोहर पर्रिकर के बेटे की बात, उत्पल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। निर्दलीय लड़ने का ऐलान करने के बाद उत्पल ने बीजेपी को सुनाई खरी खोटी, बोले पिता के मूल्यों की है यह लड़ाई। आखिरकार कांग्रेस में शामिल हुए उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, हरीश रावत की मौजूदगी में सदस्यता ली, बीजेपी पर निकाली भड़ास। मेरी की तरह एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में मैं उत्तराखंड में भाजपा की विदाई करने में, कांग्रेस की सरकार लाने में जो भूमिका निभा सकता हूं, उस भूमिका को मैं निभाऊंगा। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल, राज्य में बीजेपी के हार का किया दावा। रावत की वापसी पर उत्तराखंड कांग्रेस में जश्न, कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। अल्मोड़ा पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा। घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, अल्मोड़ा में लोगों से मिले। 12 घंटे में बदल गए अवतार सिंह भड़ाना के बोल, आरएलडी के टिकट पर जेवर से ही लड़ेंगे चुनाव। मैंने हिंदुस्तान की बड़ी लेवल की, मैंने बड़े मैदान देखे हैं, जो लोग आज इस तरह की बात करते हैं, मैंने हिंदुस्तान की बड़ी लेवल की कश्मीर से गुजरात तक राजनीति की है और बड़े दौर देखे हैं। दिल्ली के इंडिया गेट से शिफ्ट हुई अमर जवान ज्योति, सैन्य परंपरा के साथ नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय। अमर जवान ज्योति से जलाई गई मशाल, जवानों ने पूरे सम्मान के साथ वॉर मेमोरियल पहुंचाया। ज्योति की जगह बदलने पर सुलगी राजनीति, राहुल का बयान कुछ लोग नहीं समझ सकते बलिदान। राहुल के आरोप पर पलटवार, स्मृति बोली वॉर मेमोरियल का विरोध करने वाले देशभक्ति की बात करते। बीजेपी आग बबूला, हरदीप सिंह पुरी बोले राहुल की बातों को नहीं लेता मैं सीरियसली। न्यूज नहीं होती तो आप राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट्स को ले लेते हैं, ठीक है? तो अभी जिनको कमेंट करना है उसे करने, अभी हमें काम करने दीजिए।
अमर जवान ज्योति की जगह बदलते समय यूथ कांग्रेस का हंगामा, इंडिया गेट पर किया विरोध प्रदर्शन। अमर जवान ज्योति को लेकर आरजेडी का सरकार पर हमलोग, मनोज झा बोले ऐसी सलाह कौन देता है। इतिहास कैसे आपको स्मरण करेगा, समकालीन की बात मत करिए, वो ताली बजा देंगे लेकिन इतिहास ताली नहीं बजाएगा। आगाह कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। इंडिया गेट पर लगाई जाएगी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी मूर्ति, पीएम ने दी जानकारी। नेताजी की ग्रेनाइट की मूर्ति बनने तक दिखेगी होलोग्राम मूर्ति, 23 को पीएम करेंगे अनावरण। पीएम ने सोमनाथ मंदिर में अत्याधुनिक सर्किट हाउस का किया उद्घाटन, वर्चुअल उद्घाटन किया। सच मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद मैं इतना कुछ होते हुए देख रहा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को झटका, वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने को उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया। दिल्ली के बाजारों में जारी रहेगा ऑड इवन, लेकिन निजी दफ्तरों में 50% लोगों को मिली मंजूरी। उपराज्यपाल के निर्णय पर दिल्ली सरकार नाराज, कहा कारोबारियों व्यापारियों को किया जा रहा है परेशान। दिल्ली में कोरोना कम हुआ, 24 घंटे में 10,776 मामले, 18% पॉजिटिविटी रेट। कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू खत्म लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी, 48,000 से ज्यादा मामले। देश में तीसरी लहर का कहर, 24 घंटे में सामने आए 3,47,000 से ज्यादा केस, 703 की मौत। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर 35 YouTube चैनल, कई सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध, फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में एक्शन। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग में 50 साल के व्यक्ति ने आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, नोएडा की फैक्ट्री में करता था काम। गुरुग्राम में बुलंद शराब तस्करों के हौसले, पुलिस से मारपीट। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में दो भाइयों की हत्या, आपसी रंजिश में मार डाला। गोरखपुर में कचहरी में गोली मारकर युवक की हत्या। बेगूसराय के बरौनी में रेल हादसा, पटरी से उतरी गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस की 4 डब्बे। यूपी के मुजफ्फरनगर में हथियारों का जखीरा बरामद, 3 गिरफ्तार। देवरिया में हथियारों के दम पर 32 लाख रुपए के गहने लूटे। बारामती में लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, कमेटी चलाने वाला 200 करोड़ रुपए लेकर फरार। रांची में 10 लाख के इनामी नक्सली महाराज प्रामाणिक ने किया सरेंडर, कई वारदात में पुलिस को धीस की तलाश। अजमेर में पुलिस को बड़ी सफलता, अगवा करके ले जा रही लड़की को बचाया। भारत के 288 रनों के लक्ष्य के जवाब में साउथ अफ्रीका की ठोस शुरुआत, स्कोर 212 पार, 8 विकेट अभी बाकी। साउथ अफ्रीका के विरुद्ध दूसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, 6 विकेट खोकर बनाए 287 रन। साउथ अफ्रीका के विरुद्ध दूसरे वनडे में दिखा भारत के बल्लेबाजों का दम, ऋषभ पंत ने 85 रन बनाए, केएल राहुल ने 55। टीम इंडिया ने 64 के स्कोर पर गवाए पहले 2 विकेट, नंबर 4 पर बैटिंग करने आए पंत ने संभाली पारी। T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी, 16 अक्टूबर से शुरुआत, 13 नवंबर को मेलबर्न में फाइनल। पाकिस्तान से भारत का पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को होगा, मेलबर्न में खेला जाएगा मैच। दिल्ली में सर्दी का सितम, ठंडी हवाओं ने लोगों को बेहाल किया, घना कोहरा बढ़ा रहा है मुसीबत। घने कोहरे ने रेल यात्रियों को परेशान किया, 2 से 5 घंटे देर से चल रही हैं ज्यादातर ट्रेन। पश्चिमी यूपी में कोहरे का कोहराम, 10 बजे तक 100 मीटर विजिबिलिटी। यूपी में घने कोहरे से ट्रेनों पर असर, दर्जनों ट्रेनें रद्द। राजस्थान के करौली में कड़ाके की ठंड, कोहरे की मार, बरसात की बूंदों ने लोगों को परेशान किया। घने कोहरे ने रोकी ओडिशा की रफ्तार, भुवनेश्वर में उड़ानों पर असर। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी, आईटीबीपी ने शुरू की स्नो एंड स्कीइंग एक्टिविटी। जातीय समीकरण के तहत यूपी में राजनीति में स्वर्णकारों ने मांगी हिस्सेदारी, 6% हैं स्वर्णकार।
427 अंक गिरकर 59,037 पर बंद सेंसेक्स निफ्टी में 140 अंकों की गिरावट। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, डीए के साथ एचआरए में बढ़ी हो सकती है बढ़ोतरी। कंपनियों फैमिली ऑफिस की क्रिप्टो होल्डिंग्स पर लग सकता है 18% टैक्स, बजट में ऐलान कर सकती है सरकार। हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुनाफे में 18.68% का उछाल, तीसरी तिमाही में 2300 करोड़ रहा शुद्ध लाभ। सोशल मीडिया पर ग्राहकों की नाराजगी के बाद नेस्ले ने बाजार से हटाए किटकैट के पैकेट, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का लगातार आरोप। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में एंट्री की तैयारी में गौतम अडानी, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बनाने और देश भर में चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में तिल चतुर्थी महोत्सव हुआ शुरू, स्वर्ण आभूषणों से किया गया भगवान गणपति का श्रृंगार। 23 और 26 जनवरी के लिए दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, विजय चौक से शुरू होगी परेड।